सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं गैंगस्टर वेगस। तो तुम लोगों को यार जैसा पता ही है कि YouTube पे मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट सजेशन दोनों आए थे गैंगस्टर वेगस गेम प्ले सीरीज को शुरू करने के लिए। तो आज से हम वो गेम प्ले सीरीज जो है वो शुरू करने वाले हैं, ट्राई करेंगे इस गेम को हम लास्ट तक एंड करेंगे, मतलब सारे गेम के मिशन पूरे करेंगे। टाइप ऑफ अ GTA 5 जैसे ही गेम होने वाला है, बट मोबाइल के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ। Alright guys, गेम हमारे यहाँ पे शुरू हो चुका है। वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर लेते हैं गेम की। ठीक है, आएगा इतनी वॉल्यूम ठीक होगी। ठीक है, ऑलराइट गाइस, गेम हमारा शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो यार एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर है, एंड आई गेस ये हमारा कैरेक्टर है। ठीक है, कैरेक्टर तो बढ़िया है, बस बाल नहीं है कैरेक्टर के पास। ठीक है, यूज द स्टिक टू वॉक। ठीक है ठीक है, पंच मारने के लिए अभी से आ गया, तो मारते जरा। ठीक है, ये हमारा ठीक है, आई गेस सिनेमैटिक सीन आ रहा है शायद, इसलिए ब्लैक हुई है स्क्रीन। या सिनेमैटिक सीन है, कोई फ्रैंक बोल रहे वो। भाई उड़ा दिया। ठीक है, तो भाई फ्रैंक शायद से कोई विलेन वगैरह है जिसने बंदा उड़ा दिया आती। ठीक है, थर्ड राउंड शुरू हो चुका है। फाइंड द पॉइंट, भाई हमें तो देखो मारने के लिए बोला, तो हम तो मार के चलेंगे। तो भाई बहुत रख के दिया हमारे क्रिप्टर ने भी। ठीक है, वापस फ्रैंक आ गए। ठीक है, तो गाइस ये हमें हारने के लिए कह रहा है, मतलब इनडायरेक्टली कह रहा है कि फोर्थ राउंड में तुम गिरने चाहिए, अपोनेंट नहीं गिरना चाहिए। आई गेस अपोनेंट इसके साथ का ही है, बट भाई हमने खेला ही नहीं, खुद ही मर गया वो। अब शायद कुछ गलती होने वाला है हमारे साथ। गलती हो रहा है, हम भाग रहे हैं। ठीक है, तो फ्रैंक पीछे भाग रहे हैं हमारे और हम यहाँ शायद भाग रहे हैं। ठीक है, हमारे कैरेक्टर ने किसी को तो फोन करा है गाइस। ठीक है भाई, फ्रैंक के बंदे पीछे आ गए हैं, गोलियां मारना शुरू कर चुके हैं, शीशा भी तोड़ दिया है गाड़ी का। भाई बहुत गंदी ठोकर मारी है गाड़ी को हमारी। ठीक है, तो गाइस सिनेमैटिक सीन ना मैं आगे कर सकता हूँ, बट अगर आगे कर देते ना तो फिर गेम ढंग से समझ नहीं आता यार। सिनेमैटिक सीन में मेन गेम होता है। ओ ठीक है, शायद कोई तो हमारी मदद करने आया है। ठीक है, कोई लड़की आई है गाइस। ठीक है, शायद इसको ही हमने बुलाया था, मतलब ये कैरी कॉल किया था। ठीक है, तो हम शायद उसकी ही गाड़ी में आ गए। ठीक है, शायद हमें कोई तो गन मिलने वाली है। मिल गई है, और मशीन गन मिली है। ठीक है, फिर तो उड़ा देंगे। उड़ा दिया, उड़ा देंगे क्या। ठीक है, चलो इसको बढ़ाएंगे। हाँ, उड़ने वाले उड़ गया। दूसरा। अबे यार ठोकर मार दी उसने पहले।
ठीक है भाई, लड़की का नाम कैरन है। हाँ कैरन है। ठीक है तो गाइस स्टोरी भी बताते हैं, रुको जरा पहले इसको मार दें। स्टोरी में थोड़ी थोड़ी समझ आ गई, बताता हूँ अभी। ठीक है देखो स्टोरी क्या है कि जो अभी आई है लड़की, ये कैरन है और हमने पहले मोंटेलो को फ़ोन किया था और ये अकाउंटेंट है कैरन मतलब मोंटेलो की, और ये बचाने आई है मतलब मोंटेलो ने भेजा है इसे। मैं थोड़ा कंफ्यूज होंगे बट मोंटेलो को हमने फ़ोन करा था, उसने भेजा है इस लड़की को हमारी मदद करने के लिए, और ये बेसिकली अकाउंटेंट है मोंटेलो की। कैसे शोर सोच थोड़ा सा शायद ज़्यादा होगा मेरी आवाज़, हो सकता थोड़ी सी कम हो। ठीक है मैं एक और मैस हो गया, एक और मैस हो गया, अभी सभी मैस हो रहे हैं। अरे एक भी नहीं लग रहा यार। ठीक है एक लगा, फिर से हेलीकॉप्टर आ गया। ठीक है वो कह रही कैन यू स्विम, अब पता नहीं भाई शायद तैरने का होगा कुछ। ठीक है भाई सही में इसने गाड़ी शायद तैरा दी है पानी में अब। ठीक है तो कोई तो सीन शायद चेंज हो गया है, अब कोई वीरा करके है। ओके यही है मोंटेलो मतलब वीरा मोंटेलो पूरा नाम इसका, इसको ही फोन किया था भाई हमारे कैरेक्टर ने। तो भाई पीट दिया आंटी ने। तो भाई ये कोई तो सही बंदी है मतलब, इसको हमने पहले फ़ोन करा था और इसने हमें बचाने के लिए मतलब लड़की भेजी थी, और इसने पुलिस वालों को भी अकेले ही पी लिया। एक रख के भी दे दिया। ठीक है तो भाई हम दोनों आ गए मतलब यहाँ पे इसके पास। चलिए तो हमारे कैरेक्टर का नाम जेसन है गाइस, ये पहले पता होना चाहिए, पता ही आप पता चला है। ठीक है तो हम शायद ट्रक ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है पर उससे पहले एक मिशन आया है। ठीक है मिशन नहीं आया मतलब गाड़ी वो हमें ट्रक ही चलाना है। ठीक है मतलब स्वैट टीम का ट्रक है। ठीक है बंदा उड़ाया नहीं होगा, सॉरी। ओ भाई पुलिस वाले पीछे से टक्कर मार रहे हैं। ठीक है हेलीकॉप्टर भी आ गया है शायद से, उसकी आवाज़ आ गई है। ठीक है गाड़ी वाला वापस ले आया अपनी। ओ भाई ओ ओ नहीं नहीं ठीक है सीधे चलते रहना है हमें शायद, बस तब तक कोई उड़ा ना दे। ठीक है तो आगे बैरिकेडिंग उड़ाते हैं शायद, इसको फर्क ही नहीं पड़ा भाई ट्रक को। Congratulations, kid. You're a rising star on the latest most wanted list.
ठीक है, तो आगे भाई पुलिस वालों ने अपने गाड़ियों से ही बैरिकेडिंग कर दी मतलब डायरेक्ट, और शायद हमारा करेक्टर उड़ा देगा, उड़ा दिया है भाई। काफ़ी मत सिनेमैटिक सीन है भाई, मतलब काफ़ी बढ़िया है। ठीक है ओके, ठीक है, हमें शायद उसका रिवॉर्ड भी मिला है, मतलब हमने वीरा को बचाया था इसलिए। ठीक है, शायद कॉल आ रहा है, किरण का ही कॉल आ रहा है। ओके तो भाई देखो, स्टोरी हमें यही समझ आई है कि हम सबसे पहले तो एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर थे, हमारा जो ओपोनेंट था उसे हमें हराना नहीं था, क्योंकि एक फ्रैंक शायद विलन है यहाँ, मतलब शायद माफिया है यहाँ का, और उसने बोला था कि मतलब हमें अपोनेंट को नहीं हराना है, बट हमने उसको हल्का सा मारा और वो सही में ढेरी हो गया, मतलब जो वो नहीं चाहता था हमने वही किया था, हम उसके खिलाफ चले गए थे और वहाँ पे जैसे तैसे करके हम भाग गए थे। हमने वीरा मोंटेलो को फ़ोन लगाया था, वो शायद मतलब ये जानता था, उसको पहले से फ़ोन करा था, और उसने करेन एक लड़की है उसको भेजा था हमारी हेल्प करने के लिए। तो हम वहाँ से भागते आ गए हैं और वीरा का एक मिशन भी हमने पूरा कर दिया है, तो बस अभी यही सब चल रहा है। और वीरा मोंटेलो ने कहा है कि अभी तुम लो रहो, आगे जाके एक बार वो फ्रैंक से बात कर लेगी और हमें बचा लेगी उस केस से। तो बस यही स्टोरी चली है। अब गेम के अंदर आए, थोड़ा सा ओपन वर्ल्ड गेम है, तो पहले एक बार पूरा जो गेम है थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद आगे मिशंस पे बढ़ते हैं। तो भाई एक बढ़िया सी गाड़ी दे दो, ये वाली दे दो, अच्छी लग रही है। ठीक है तो भगाते हैं। भाई गाड़ी बढ़िया मस्त चल रही है, देखो कंट्रोल अच्छे हैं भाई गेम के, बड़े बोलता बहुत है भाई हमारा करेक्टर सही में, तो कंट्रोल इसलिए अच्छे हैं कि हम तेज कर रहे हैं और यहीं से धीरे भी कर सकते हैं, तो एक रियल ड्राइविंग वाली फील आ रही है। ठीक है थोड़ी कटिंग करते हैं, कोई ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, नहीं नहीं ना, ठीक है भाई कोई मस्त एरिया आ गया, और आई गेस यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, बट शॉपिंग तो भी करेंगे नहीं क्योंकि शायद पैसे हैं नहीं अभी इतने हमारे पास। और हाँ गाइस, हमारे पास एक पिस्टल भी है जो मुझे शायद ऊपर दिख रही है, हाँ पिस्टल भी है हमारे पास एक। और यहाँ मस्त मस्त घर आ गए हैं, मतलब जो नहीं होते तो होस्टल टाइप से, मॉन्ट्रियल टाइप से वैसे घर आ गए हैं। और ये थोड़ा सा मतलब बढ़िया वाला एरिया आ गया, गुड़गांव टाइप्स, डेथ वैली हॉस्पिटल है, नाम सुन रहे हो डेथ वैली। ठीक है तो एक बाइक भी चलाते हैं गाइस, ऐसे निकालते हैं भाई बाइक, ऐसे थोड़ी ना देखा मुझे, ये देखो। ठीक है ऐसा करते हैं, बंदे पे चढ़ाकर आ जाते हैं, उठ ना जाए ना भाई वापस बाइक लेने के लिए, मर गया वैसे वो, तो क्या कर सकते हैं भाई, नहीं मिल सकता वो। ठीक है तो भाई बाइक आ गई हमारे हाथ में, वैसे मैं मारा क्यों, आगे भी खड़ी थी वैसे भाई। ठीक है भाई बाइक चलाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है तो गाना बंद नहीं होता क्या, बंद हो गया, कॉपीराइट लगाएंगे यार, गाना चला रखा मतलब। भाई पुलिस भी लग गई इतनी जल्दी एक गोली मारने पे, ये क्या मतलब है, फिर पुलिस लग गई। ओ भाई देख रहे हो पुलिस वाले को, हरकत देख रहे हो तुम, ऐसे पुलिस वालों को तो गोली मार दो गेम में, असली में नहीं गोली मतलब गेम में।
ठीक है सर, पूरे सटने वाली है, नीला हो गया भाई ये तो, थोड़ा यहीं रहते हैं। ठीक है भाई, पुलिस हट चुकी है, अब देखते हैं कहाँ जाना है, मैप खोल के देखते हैं पहले तो। ठीक है तो गाइस, यहाँ पे हमें एक ई मैन का मिशन दिख रहा है, तो जल्दी से चलते हैं यहीं पे, मतलब ई मैन इस गेम के अंदर भी है यार, तो चलते हैं पहले उसके पास ही। और मैं सोच रहा हूँ बाइक से क्या जाएंगे यार, गाड़ी से जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, बस एक गाड़ी मिल जाए बढ़िया सी। ये तो नहीं चाहिए यार मेरे को ना, बीच में भी मतलब एक फरारी टाइप सी भी दिखी थी गाड़ी, अगर वो मिल जाएगी तो वो देख लेते हैं, तो बाइक से चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई आईफल टावर भी है इस गेम के अंदर, नहीं, अबे यार गाड़ी मिल गई थी, यही भाई यही वाली गाड़ी कह रहा हूँ भाई मैं, अबे भाग गया, भागा कहाँ लेकिन, बुरा 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 भाई, रोक ले रोक ले रोक ले रोक ले रोक ले रोक ले, ये भाई गाइस नहीं रोकेगा शायद, इसे पता है मैं इसकी गाड़ी चुराने वाला हूँ। यार कैरेक्टर भी तुम्हारे पागल ही है। ठीक है हम बैठ चुके हैं, पुलिस वापस लग गया यार, एक गाड़ी चुराने के चक्कर में पुलिस लग जाती है इस गेम में वापस बार बार। ठीक है पुलिस को तो चकमा दे देंगे हम। अरे यार कटिंग भी नहीं हो रही ढंग से। ठीक है तो भाई देखो पुलिस हट चुकी है, अब पता नहीं क्या पुलिस बोल रही है बीच में, पुलिस हट चुकी है, तो भगाते हैं गाड़ी को फुल स्पीड पे। अरे यार गलत आ गए गलत आ गए गलत आ गए, टर्न मारना पड़ेगा। ठीक है यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, ठीक है घुसेड़ा देते हैं गाड़ी, भाई शायद यहाँ गाड़ी जाती नहीं है। ठीक है वापस मतलब उसी एरिया पे आ गए हैं शायद से, ठीक है तो भाई वीरा वापस आ गई, मैं वीरा बोल रहा था, वीरा वापस आ गई है। ठीक है तो जेसन पूछ रहा है कि मतलब वीरा से कि उसने अभी तक बात करी है फ्रैंक से या नहीं, बट वीरा कह रही है कि अभी हम बात नहीं कर सकते, अभी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं तुम्हें, कुछ टाइम देख के मैं बात करती हूँ। ठीक है तो भाई इसका कोई बंदा है मतलब वीरा का कोई बंदा है जो उसके लिए काम करता है, वो कह रहा है मतलब वो ये कह रही है कि तुम यहाँ पे रहो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, बट तुम्हें भी मेरे लिए कुछ काम करना होगा, तो मेरा एक बंदा है ई मैन करके, उसके पास तुम्हारे लायक कुछ काम है, उससे एक बार मिल जाके। ठीक है तो भाई खाली बैठने से अच्छा मिली लेते हैं, प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, काम का काम भी हो जाएगा, पैसे का पैसा भी मिल जाएगा। ठीक है तो भाई वो पीछे ही है, जस्ट मैं थोड़ा घूम के जा रहा हूँ पता नहीं क्यों। ओके वार्निंग भी आ गई, भाई घूमना नहीं है यहाँ यार, 21 सेकेंड में पहुँचना, पहुँच जा भाई। अरे यहीं तो था तो गाड़ी क्यों करवाई थी इनने। ठीक है ये रे, मैं इतने पास में था, ई मैन के पास जाके खड़ा कर देती मुझे। ठीक है तो शायद यही ई मैन है भाई, ई मैन हमेशा मुझे इतनी गलत हालत नहीं मिलता है, गैंगस्टर न्यू ऑर्लियंस में भी ऐसे मिला था, वेगस में भी ऐसे मिल रहा है। पागल लग रहे हैं वैसे ही मुझे, ये मैं so they took like your formula.
ठीक है, तो उसका कोई फॉर्मूला भाई स्टेक बोर्डर्स ले गए हैं मतलब। ठीक है तो चलते हैं जल्दी से उसके पास। अबे गाड़ी में बैठ जाना भाई, दूर जाना है तेरे को। थक गया भाई हमारा प्लेयर। ठीक है तो यही तीन बंदे हैं शायद। भाई धमकी दे रहा है हमारा कैरेक्टर जेसन, मतलब धमकी दे रहा है। ठीक है तो मैं उसके पीछे से भागना है। लिटिल जोए यार, हमारा जीएम जेसन बहुत जल्दी थक जाता है भाई। यार भागने से अच्छा तो ये लिटिल जो पुलिस वाले के पास चल रहा था, खड़े थे भाई सामने। ठीक है सर पकड़ लिया हमने। अबे नहीं पकड़ा भाई, ये तो मस्त बंदा है। भाई कहाँ भाग गया, शायद ऊपर गया था। हाँ ठीक है, तो भाई बहुत आगे निकल गया वो। अबे नहीं कर सकता भाई, तू क्यों बोल रहा है इतना। जेसन कह रहा है भाई मैं पूरे दिन कर सकता हूँ। नहीं कर सकता, तू बहुत जल्दी थक जाता है भाई। अबे यार अबे इतनी पुलिस क्यों खड़ी है यहाँ। पीटो पीटो पकड़ के भगाया क्यों। अबे ईमन कैसे आगे वैसे इतनी तेरिया, मैं तो थक गया, वो तो पहले थक गया था। पकड़ के पीट दिया भाई लिटिल जोए को। लिटिल जो और लिटिल हो गया वो। ईमन कह रहा मुझे बुरा लग रहा है बच्चे को तुमने पीट दिया। The Empress and Frank were always at each other's throats before the fall of Rome, and now in the twilight? I have a hard time picturing them sorting something out. Hang on, are you saying Vera lied to me? That she can't help me with Frank? I don't know your story. ओ भाई मतलब देखो स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ईमन ये कह रहा है कि फ्रैंक और जो वीरा है वो दोनों दोस्त नहीं है, मतलब उनमें बहुत ही लड़ाई रहती है, वो बहुत कट्टर वाले दुश्मन एक दूसरे के। तो ठीक है देखो, जेसन को वीरा ने ये कहा था कि वो उसकी मदद कर देगी, ठीक है मतलब वो एक बार फ्रैंक से बात करेगी। बट ईवन कह रहा है कि वो बात तो कर ही नहीं सकती क्योंकि दोनों कट्टर दुश्मन है भाई। वाह ठीक है, तो गाइस जल्दी से चलते हैं अपने दूसरे मिशन पे। मतलब वीरा का कोई तो शायद मिशन है आगे आ रहा है, जल्दी से पहले एक बार वीरा के पास चलते हैं। ठीक है ड्रॉप ऑफ करके कोई मिशन है हमारा। ठीक है तो भाई जेसन वही बात कर रहा है वीरा को, मुझे झूठ क्यों बोला था, तुम दो तो मोटर एनिमी हो। ठीक है तो भाई देखो वीरा से बात हुई है। वीरा ये कह रही है कि सारी चीज़ें फिर देखो बातचीत से नहीं सुलटती हैं, तो हम क्या करेंगे फ्रैंक के पास जाएंगे, फ्रैंक को थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे, उसको बोल देंगे कि जेसन से दूर रहो।
तो भाई हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि जेसन के पास इतने पैसे नहीं, तो जेसन ने बोला तो वे कह रहे तुम मेरे लिए काम करो, बाकी पैसे मैं अपनी तरफ से दे दूंगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो वीरा को ये कैसे जानता है, जो जेसन का कज़न है वो वीरा को जानता था, तो वीरा यही कह रही है कि ये एक तरह से फेवर है तुम्हारे कज़न का, कज़न ने मेरे लिए बहुत काम किया है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, बट एक मतलब एक कह सकते हो सूट के सर इसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं, वो कलेक्ट करके मुझे शायद इसको देने हैं, तो वही हमारा मिशन है। तो भाई देखो वीरा ये कह रही है कि लड़ाई वड़ाई नहीं चाहिए मुझे, बस जल्दी से वो बैग ले आओ, और यहाँ वो बंदे हैं। तो भाई पीट नहीं है नहीं। भाई ये देखो एक बार में दोनों को पीट रहा हूँ, अरे यार मजा आ रहा था। अबे अबे दो और आ गए। ठीक है तो भाई सबको पीट दिया हमने, जल्दी से सूट के उठाते हैं। ठीक है कोई तो क्रेट है ये। ठीक है तो भाई देखो जेसन को शक हुआ है कि, क्योंकि देखो जो बंदे उन्होंने फ्रैंक का नाम लिया था, तो जेसन को शक हुआ है कि शायद से वो पहले से जानते थे और ये सब सेटअप था, मतलब जेसन को फंसाने के लिए कोई, तो बट वीरा मना कर रही है कि शायद सेटअप वेटअप नहीं था, ये तुम्हारा सिर्फ ही भ्रम हो रहा है। ठीक है भाई ईवन का कॉल आया, कुछ तो बकवास कर रहे, इसकी बकवास सुनने में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाता क्योंकि आधे टाइम बकवास ही करता है भाई ईवन। रोक ले भाई रोक ले, थैंक यू ब्रदर। अरे यार भलाई के ज़माने ही नहीं, मतलब ठीक है तो भाई जल्दी से चलते हैं किसी और मिशन की तरफ को, जल्दी से एक बार पहले मैप में लोकेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है तो शायद हम उठा जा रहे हैं। तो भाई कोई गाड़ी आ चुकी है, मुझे लग ही रहा है कुछ रेसिंग टाइप से मिशन होने वाला है। तो कुछ रेसर गर्ल से मिलने जा रहे हैं। ठीक है ऑलराइट गाइस, कुछ तो है यार, रेस थोड़ी ना शुरू हुई है, तो पहले मिलने जाना है। अच्छा पहले मिलने जा रहे हैं किसी से, रेसर गर्ल टाइप। क्या क्या खजारा गाड़ी है, मतलब स्पीड भी नहीं है गाड़ी में उससे। रोक ले यार भाई, पिकअप भी बहुत गंदा है भाई गाड़ी का। देखो फिर ये बकवास कर रहे हैं मैं ईवन के साथ, भाई जेसन और बकवास करने लग जाता है हमारा कैरेक्टर भी। मैं देख रहा हूँ तुम ब्रेक भी खराब है, चल रही है बस गया गाड़ी भाई, राम भरोसे चल रही है बस धीरे धीरे धीरे। ठीक है तो हम आ गए हैं मैन के कॉन्टैक्ट के पास, रेसर गर्ल भाई ये है रेसर गर्ल। ठीक है भाई वो गाड़ी अच्छी लग रही है लेफ्ट में, वो ना वो लग रही है मतलब फ्रैंक जो मतलब उसके बाद है ना फ्रैंकलिन के बाद 85 में टाइप ऑफ ओवर की। ठीक है शायद हमें यहाँ रेस करनी है, हाँ ठीक है इस गाड़ी से रेस करनी है हमें, या राइट वाले दे देते हैं। ठीक है भाई चलते हैं,
ठीक है भाई, सबसे पहले भागे तो हम ही मैम, मुझे लगता है नहीं लेकिन जीत पाएंगे ऐसी गाड़ियों के साथ। ये देखो ना भाई इसकी गाड़ी क्या मस्त गाड़ी, देख रहे भाग रही है पूरी। हाँ बट ड्राइवर थोड़ा अनाड़ी है। भाई मुझे लग रहा है दोनों बंदे चला ही नहीं रहे हैं, वो गाड़ी बहुत तेज भाग सकती है। ठीक है भाई देखो पूरा टाइम पूरा अपना जोर लगाते हैं जीतने के लिए। भाई बहुत तेजी से आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे दोनों। यार बंदे चीटिंग कर रहे हैं थोड़ा, वो यार देख रहे हो यार मैं कह रहा हूँ ना वही जीतेंगे, गाड़ी बकवास दी है भाई। ये देख रहे तुम बकवास गाड़ी है, एक दूसरे को बस मार रहे हैं वो। अरे यार मैं मुंह तोड़ दूंगा भाई, गन है मेरे पास, देख रहे तुम क्या गाड़ी चला रहे हैं, मैंने पूरा एक्सीलेटर दे रखा है गाइस, कहाँ से जीतेंगे। भाई पीछे हट तो पैसे दे दूंगा, 200-200 रुपए दोनों के। यार तुम देख रहे हो यार किसी हालत में जीतूंगा, 200-200 रुपए में लोग मान जाए मैं जीत जाऊंगा। अच्छा 20% शेयर रख लेना यार, अच्छा जीत लूँ तो यार, अरे बुरा मान गए क्या, अरे जीतने देना अल्लाह, देख रहे लाल चिपक गया मेरे से, तो कहाँ लेके जाएगा। भाई जिता दो लास्ट लैप करो, लैप पे जिताओ जिताओ, वे कब आएगा यार जीतने का, जीत गए शायद, जीत गए फर्स्ट। Seems like you could really handle some dangerous curves. बिल्कुल। Good to know. There's always other races going on in Vegas, you know. You find yourself strapped for cash, hit one up. Yeah, I might do that. See you around. ठीक है भाई देखो इसने साफ तौर पे रेसिंग के लिए पूछा हमसे कि तुम रेसिंग वेसिंग करो तुम्हें पैसे वैसे मिलेंगे तो बढ़िया है। तो हाँ भाई बढ़िया ही है, पैसे वैसे मिल गए तो क्या दिक्कत है। ठीक है तो भाई देखो मैं केरन से बात हुई थी, ठीक है तो अबे यार उड़ा पहले तो तुम बोलने मत देना। ये देखो ये अच्छा बस वाला है, रुक गया ना मेरे लिए, नहीं भाई जाना नहीं कहीं पे, तुम जाओ मैं कोने में खड़े होंगे, पहले कोई बंदा नोड़ आ जाए। ठीक है तो भाई देखो गाइस ये हुआ है मतलब किसका, केरन का कॉल आया था और केरन कह रही है कि मेरे को कुछ हेल्प चाहिए, पहले एक बार मेरे पास आती तो क्लब जा रहा था पहले वीरा से बात करने के लिए, केरन के बाद जल्दी से पहले चलती क्योंकि केरन को कुछ तो मदद चाहिए हमारी, जल्दी से कोई गाड़ी ढूंढते हैं बढ़िया सी जो मुझे मिल नहीं रही है कहीं दूर दूर तक। ठीक है तो भाई गाड़ी हमें मिल गई है, अभी आगे रखे कोई गाड़ी चेंज करते हैं, पहले जल्दी चलते हैं भाई केरन की तरफ, हो सकता है उसको शायद हमें ज़्यादा ही मदद चाहिए कि उसने अर्जेंट बेसिस पे बुलाया हमें। ठीक है तो भाई देखो केरन के पास हम जस्ट पहुंच गए हैं, बट केरन वाला जो मिशन है वो मैं सोच रहा हूँ कि अगली वीडियो में ही कंटिन्यू करते हैं क्योंकि यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कर लो, इस गेम प्ले सीरीज को भाई हम पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले, तो जल्दी जल्दी इस गेम की जो है वीडियोस आ जाएंगे आपके पास। असली अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो नोटिफिकेशन बेल है ना उसको याद से ऑन कर लेंगे, उसको ऑन नहीं करोगे ना तो यार तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली है नहीं डाली, फिर आओगे देखोगे टाइम वेस्ट होगा, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, इसलिए बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। अगर मेरे से कुछ बात करनी हो तो इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे आ रहा होगा, उसको जल्दी से जाके फॉलो कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।